हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बचाने वाला बड़ा, पार्ट 11 बचाने वाला बड़ा, ये कहानी है। तो चलिए मैं आपको इसको पढ़कर समझाती हूँ। पौ फट गई थी, पूर्व दिशा में उषा की लाली छा गई थी। लाल रंग में रंगे सूरज देवता पर्वत के पीछे से झांकने लगे थे। पौ फट गई थी मतलब सुबह सुबह, हम कहते हैं जब सुबह होती है, सवेरा होता है तो कहते हैं पौ फट गई। अब पूर्व दिशा में उषा की लाली छा गई थी। पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है तो हम, आपने देखा जब सूरज निकलता है तो लाल लाल रंग की लालिमा छाई होती है आकाश में, एक लाल कलर की रोशनी छा जाती है, उसे क्या कहते हैं, उषा की लाली छा गई थी। लाल रंग में रंगे सूरज देवता पर्वत के पीछे से झांकने लगे थे। और सूरज जब उगता है तो वो ऐसे तो हमें सूरज पीला दिखाई देता है, लेकिन जब वो उगता है तब हमें लाल लाल रंग का दिखाई देता है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, लाल रंग के सूरज देवता पहाड़ों के पीछे से झांकते हुए उगने लगे थे। सूरज की पहली किरण पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों को छूने लगी थी। सूरज की पहली किरण क्या हो रही थी, पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों को छू रही थी। ठंडी ठंडी मंद मंद हवा बह रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मंद मंद मतलब धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। घोंसले से निकलकर पक्षी आकाश में उड़ने लगे थे। और पक्षी क्या हुआ, अपने दाना पानी के लिए घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे थे। पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षियों का कलरव तेज होता जा रहा था। और पेड़ों पर कुछ पक्षी बैठे हुए थे जिनका कलरव मतलब उनकी चहचहाट, उनकी आवाज़ क्या हो रही थी, तेज़ होती जा रही थी। सुबह सुबह देखा आपने कि पक्षियों की आवाज़ कितनी तेज़ सुनाई देती है, दिन भर में नहीं सुनाई देती हमें वो, लेकिन सुबह सुबह हमें पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। उद्यान की हरी हरी घास पर ओस मोती जैसे चमक रही थी, रंग बिरंगे फूल महक रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने साथियों के साथ उद्यान में टहल रहे थे। उद्यान की मतलब बागीचे की हरी भरी घास पर ओस, रात को ओस गिरती है ठंड में तो वो कैसे होते हैं, सुबह मोती जैसे चमकते हैं घास पर। रंग बिरंगे फूल महक रहे थे, बगीचे में रंग बिरंगे फूल थे जिनकी महक आ रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ, अब एक राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ, वो अपने साथियों के साथ उद्यान में टहल रहे थे, अपने दोस्तों के साथ बागीचे में टहल रहे थे। अचानक पक्षियों का कलरव शोर में बदलने लगा। तो अचानक क्या हुआ, पक्षी जो चहचहा रहे थे वो शोर करने लगे, डरे हुए पक्षी इधर उधर छिपने लगे, और पक्षी क्या डर के मारे चिल्ला रहे थे, तो शोर कर रहे थे और वो क्या हो गए, डर के मारे इधर उधर छिपने लगे थे। राजकुमार ने इधर उधर देखा, तभी एक हंस उनके पैरों के पास आ गिरा। अब राजकुमार ने देखा कि ये आवाज़ क्यों हो रही है, वे शोर क्यों कर रहे हैं, तो उनको तभी क्या हुआ, एक हंस उनके पैरों में आकर गिर गया। हंस के शरीर में बाण लगा था, हंस के शरीर में उसकी शरीर में क्या हुआ था, एक बाण लगा हुआ था, खून की धारा फूट निकली थी। श्वेत हंस खून से लथपथ हो गया था। अब जब उसको बाण लगा तो वो खून से लथपथ हो गया, मतलब उसके शरीर से खून बहने लगा, और सफ़ेद कलर का हंस खून से लाल हो गया। वह पीड़ा से छटपटा रहा था, पीड़ा मतलब दर्द से, वह दर्द से छटपटा रहा था। अरे कैसे निष्ठुर लोग हैं, इस निरीह प्राणी को बाण से बेध डाला। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने ये देखा कि हाँ एक हंस उनके पैरों में आकर गिर गया, जिसके शरीर में बाण लगा हुआ है, उसके शरीर से खून निकल रहा है, वो खून से लथपथ था और दर्द से छटपटा रहा था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा ये, तो उन्होंने कहा कि अरे कैसे निष्ठुर, मतलब कैसे पापी लोग हैं, निष्ठुर दयाहीन लोग हैं, इस निरीह प्राणी मतलब इस बेजान पक्षी लोग बोल नहीं सकते, तो कहते हैं कि जब बेजान जानवर प्राणी को क्या हुआ, बेद डाला मतलब छलनी कर दिया इन लोगों ने। वह कितना सुंदर हंस है, हाय हाय देखो तो इसे कितनी वेदना हो रही थी। हंस सफ़ेद होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, तो वो सिद्धार्थ यही कह रहे थे कि कितना सुंदर हंस है, हाय देखो इसको कितनी पीड़ा हो रही, कितनी वेदना हो रही, मतलब कितना दर्द हो रहा है। यह दृश्य देखकर राजकुमार के साथी भी वहाँ आ गए। तो ये जब हो रहा था तो उनके साथी जो उनके साथ टहल रहे थे वो भी वहाँ पर आ गए। सिद्धार्थ ने बड़ी कोमलता से हंस को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। अब सिद्धार्थ ने क्या करा, उस हंस को उठाया और अपनी गोद में रख लिया, बड़े प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा और धीरे से बाण निकाल दिया। उसके पंखों पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके बाण को खींचकर निकाल दिया। साथियों की मदद से सिद्धार्थ ने हंस का घाव धोया और मरहम लगा दिया। फिर उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से उस हंस के घाव को धोया पानी से और वहाँ पर मरहम लगा दिया। अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी, और जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, जो एक यहाँ पर एक कपड़ा डला होता है कंधे पर, उसे अंगवस्त्र कहते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, उस अंगवस्त्र में से एक कपड़ा फाड़ा छोटा सा और उसको हंस को पट्टी बांध दी। हंस की पीड़ा कुछ कम हो गई थी,
जब हंस को पट्टी बांध दी, दवा लग गई, सब कुछ हो गया, तो हंस को क्या हुआ, दर्द कुछ कम होने लगा। राजकुमार बड़े स्नेह से उसे गोद में लिए रहा और सावधानी पूर्वक कोमलता से उसे थपथपाता रहा। अब राजकुमार अपनी गोद में हंस को लिए हुए प्यार से उसको थपथपा रहे थे। अपने को सुरक्षित जानकर हंस निश्चेत हो गया और राजकुमार की गोद में ही सो गया। अब उसने देखा कि उसके घाव को राजकुमार ने धो दिया है, मरहम पट्टी कर दी है और उसको पीड़ा भी कम हो रही थी, दर्द भी कम हो रहा था, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। मतलब उसे लग रहा था कि मैं इनके हाथों में सुरक्षित हूँ, तो वो राजकुमार की गोद में ही सो गया। इतने में राजकुमार सिद्धार्थ का भाई देवव्रत दौड़ा दौड़ा आया और हाँफता हुआ बोला, लाव या हंस मुझे दे दो, मेरे बाण से बिंध कर या नीचे गिराए। इतने में क्या हुआ, राजकुमार सिद्धार्थ का भाई देवव्रत, जिसका नाम था देवव्रत, वो दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि मुझे ही हंस दे दो, क्योंकि ये मेरे बाण से ही घायल हुआ है और घायल होकर नीचे गिरा है, यह मेरा शिकार है, मतलब मैंने इसका शिकार किया है, यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने भाई से कहा, इस भोले वाले पक्षी ने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने इस पर बाण क्यों चलाया। जब सिद्धार्थ ये सुनता है तो वो अपने भाई से कहता है कि आपने इस भोले वाले पक्षी को क्यों घायल किया, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। देवव्रत बोला, मैं आखेट पर निकला था, इस हंस पर मैंने बाण चलाया है, इसलिए यह मेरा है, लाओ जल्दी इसे मुझे दे दो। तो देवव्रत क्या बोलता है कि मैं आखेट मतलब शिकार पर निकला था और मैंने इसका शिकार किया है, इसे बाण, यह मेरे बाण से घायल हुआ है, तो इसे तुम मुझे दे दो। यह कहते हुए उत्तेजित देवव्रत हंस को लेने के लिए आगे आ गया। सिद्धार्थ ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जीव हत्या पाप है, जीवों पर दया करनी चाहिए, देखते नहीं मैं इसे बचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैंने पक्षी चिकित्सक को भी बुलाया है, वह आते ही होंगे। देवव्रत क्रोध से उफनते हुए बोला, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस पर मेरा अधिकार है, तुम्हें इससे क्या, तुम अपनी दया कहीं और जाकर दिखाओ, इसे तुरंत मुझे दे दो। अब वो क्या होता है, देवव्रत गुस्से में कहता है कि, आगे आता है हंस को लेने के लिए और क्या कहता है कि तुम मुझे इसको दे दो। सिद्धार्थ उसको, राजकुमार सिद्धार्थ उनको शांति से उत्तर देते हैं कि जीव हत्या पाप है, मतलब किसी भी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है और जीवों पर दया करनी चाहिए, मतलब किसी भी जीव पर, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, हमें दया करनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि देखते नहीं मैं इसे, मतलब उन अपने भाई देवव्रत को कहते हैं सिद्धार्थ कि तुम देख नहीं रहे हो, मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देवव्रत क्रोध से उफनते हुए बोलता है, देवव्रत को क्रोध आ जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है और तुमको इससे क्या है, मतलब इससे तुमको क्या है, तुम इस पर अपनी दया मत दिखाओ और अपनी दया कहीं और जाकर दिखाओ और इसे मुझे दे दो। दोनों राजकुमार झगड़ने लगे। इतने में दोनों राजकुमारों का क्या हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, वे अपनी अपनी बात पर अड़े थे। तभी देवव्रत ने कहा, चलो महाराज के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय करेंगे कि हंस किसका है। अब वो दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे हंस के लिए, तो और दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे, दोनों अपनी बात मनवा रहे थे। तभी देवव्रत बोला, जिसने उसका शिकार किया था हंस का, कि हम लोग महाराज के पास चलते हैं और वही इस चीज़ का निर्णय करेंगे कि हंस किसके पास रहेगा। देवव्रत और सिद्धार्थ दोनों महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें सुनी। अब देवव्रत और सिद्धार्थ जो दोनों भाई थे वो महाराज के पास गए, तो महाराज ने दोनों की बातें सुनी। देवव्रत ने कहा, मेरे बाण के अचूक निशाने से घायल होकर हंस नीचे गिराए, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ बोला, मैंने इसका उपचार किया है, इसकी जान बचाई है, इसलिए यह हंस मेरा है। महाराज ने कहा, जरा ठहरो, इसका फैसला अभी हुआ जाता है। महाराज ने हंस की दोनों राजकुमारों के बीच में छुड़वा दिया। अब महाराज ने दोनों पक्षों की बात सुनी, मतलब देवव्रत और जो सिद्धार्थ राजकुमार थे, दोनों की बात सुनी। दोनों ने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। पहले देवव्रत कहता है कि मैंने इसका शिकार किया है और मेरे बाण से ये घायल हुआ है, तो इस पर मेरा अधिकार है। फिर जो सिद्धार्थ हैं वो कहते हैं कि मैंने इसका उपचार किया है, मतलब मैंने इसको उपचार यानी उसकी सहायता की, उसको ट्रीटमेंट दिया है, मतलब उसकी देखभाल की है और इसको बचाया है, दवा लगाई है, इसको मरहम लगाया है, मरहम पट्टी की है और इससे इसकी जान बची है, तो इस पर मेरा अधिकार है। तुम्हारा कहते हैं कि तुम दोनों ठहरो, इसका फैसला मैं अभी करता हूँ। और उन्होंने दोनों राजकुमारों से हंस ले लिया अपने पास। हंस किसी तरह लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुँच गया। हंस क्या हुआ, धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ कहाँ पहुँच गया, राजकुमार के पास पहुँच गया। उसने देवव्रत की ओर तक देखा तक नहीं। अब हंस को क्या करा था, महाराज ने अपने पास बुलाकर उस हंस को छोड़ दिया कि ये किसके पास जाता है। तो हंस क्या हुआ, लड़खड़ाता हुआ, घायल तो था ही सही वो, तो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ कहाँ पहुँचा, राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुँच गया। और देवव्रत जिसने उसको मारा था उसकी तरफ उसने देखा भी नहीं। महाराज हंसकर बोले, देखो
हंस ने स्वयं ही निर्णय कर दिया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए यह हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। राजकुमार ने प्यार से हंस को गोद में उठा लिया। देवव्रत अपना मुंह देखता रह गया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने हंस को छोड़ा तो हंस कहाँ गया, सिद्धार्थ के पास, जिसने उसकी जान बचाई थी और उसको मरहमपट्टी की थी। तो महाराज ने जब ये दृश्य देखा, मतलब ये सीन देखा जब महाराज ने, तो उन्होंने कहा कि देखो, हंस ने इसका निर्णय स्वयं ही, मतलब इसका फैसला खुद ही कर दिया है कि मारने वाले से क्या होता है, बचाने वाला बड़ा होता है। मतलब हंस जिसके पास जा रहा है, हंस उसी का है। तो महाराज ने जब ये फैसला सुना दिया तो राजकुमार सिद्धार्थ उस हंस को लेकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसको प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और देवव्रत जिसने उस हंस को घायल किया था वो अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। तो स्टूडेंट, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसमें एक हंस रहता है जो घायल हो जाता है देवव्रत के बाण से। देवव्रत और सिद्धार्थ राजकुमार हैं, दोनों भाई हैं। एक उस हंस को घायल करता है और दूसरा उस हंस को बचाता है। तो जब वो दोनों उस हंस के लिए लड़ते हैं कि हंस मेरा है, तो वो महाराज उसका निर्णय करते हैं और महाराज उस हंस को दोनों के पास जाने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो हंस कहाँ जाता है, सिद्धार्थ के पास, जिसने उस हंस को बचाया था। तो इसमें ये कहा बताया गया है इस कहानी में कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अर्थात बचाने वाले का अधिकार उस पर अधिक होता है जिसने उसको बचाया है। तो स्टूडेंट, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिलअप करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। और हिंदी की कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले शब्दार्थ भी लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।